नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। औरैया टोल प्लाजा अंतराम परिसर में कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें टोल प्लाजा अंतराम की ओर लगाए गए इस शिविर इटावा स्थित दिव्यांशी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट की टीम ने आकर परीक्षण किया, दवाओं और आदि की सलाह दी। टोल प्लाजा के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक सत्यवीर यादव ने कहा कि उपभोक्ताओं को सेवा देने के साथ साथ टोल कर्मचारियों का स्वास्थ्य भी होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही हम लोगों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर टोल प्लाजा पर एम्प्लॉय हेल्थ कैंप आयोजित कर कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण पर आने वाला सभी व्यय कंपनी की ओर से वाहन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान ज्वाइंट AGM कैलाश नारायण सिंह, मैनेजर BR शर्मा, RPO मैनेजर जितेंद्र वर्मा आदि लोग भी मौजूद रहे। और समाज सेवी संगठन एक विचित्र पहल सेवा समिति औरैया द्वारा आज कॉनिग एकेडमी औरैया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए समिति के संस्थापक आनंद तथा एडवोकेट ने बताया कि 31 मई को समूचे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया गया, साथ ही साथ जिसका उद्देश्य था तंबाकू धूम्रपान आदि व्यसनों को दुष्परिणामों को उजागर करते हुए लोगों को धूम्रपान से बचने का संदेश देते हुए जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन एक बुरी लत है। युवा पीढ़ी, शहर व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी नशे की चपेट में आ रही हैं। धूम्रपान के कारण कैंसर व फेफड़े की बीमारी से पूरी दुनिया में प्रतिशत लगभग, अगर बात की जाए तो 80 लाख हैं, जबकि भारत में लगभग 13 लाख लोग काल गाल और समा जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि नशे की लत से दूर रहने की अपील की। गोष्ठी के अंतर्गत मौजूद लोगों ने स्वयं तंबाकू व धूम्रपान न करने की शपथ ली। गोष्ठी में प्रमुख रूप से कार्यक्रम संयोजक कपिल गुप्ता के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। आज यहाँ प्रोनिक एकेडमी में समाज सेवी संगठन विचित्र पहल के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस का प्रगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लोगों को जागरूक करते हुए नशे के दुष्परिणामों बताते हुए उनको जागरूक किया कि नशा करने से तमाम बीमारियां हो जाती हैं, जिससे लोग काले काल में समा जाते हैं। इसके साथ में हम लोगों ने एक शपथ ग्रहण भी किया, यहाँ पर शपथ ली कि हम लोग न तो नशा करेंगे और लोगों को नशा न करने के लिए जागरूक किया। भोपाल के कलेक्टर ने आदेश दिया, आदेश के पालन में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्यवाही कर सहायक खनिज अधिकारी सूची माथुर द्वारा बैरसिया में कार्यवाही कर एक डंपर, गिट्टी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत को जब्त किया गया। जब्त डंपर को थाना गुनगा और ट्रैक्टर ट्रॉली को नजीराबाद थाने में खड़ा करवाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला व हनुमानगढ़ी के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, रामलला के दर्शन प्राप्त किया हूं मैं और साथ ही साथ मैं बहुत भाग्यशाली हूं, ऐसा उन्होंने कहा। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन अयोध्या आने की इच्छा थी, आज इच्छा मेरी पूरी हो गई है। देश में इस समय महत्वपूर्ण समय चल रहा है, 400 पार का लक्ष्य हम बखूबी सरलता के साथ प्राप्त कर लेंगे। फिर साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि रिकॉर्ड तोड़ 400 पार हम लोग सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। मई की गर्मी में एक बार फिर से 36 साल पुराना रिकॉर्ड झुलस गया है। अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। इससे पहले वर्ष 1988 में 30 मई को अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तोड़ा था। साथ ही साथ मौसम विभाग ने शनिवार को भी लू का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप हो रही है, दोपहर में गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है। दोपहर 12 बजे के शाम 5 बजे तक ज्यादातर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रही, बाजारों में भी सन्नाटा रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार के मुताबिक गर्म पछुआ हवा और आसमान साफ होने की वजह से बताया गया है कि काफी ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है। लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए TV24।